सास माँ बन सकती है बहू बेटी बन सकती है प्रेशर नहीं है आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड वी शुड टेक इट एज दैट मैं एक गुजराती कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ और अंबिका राजगौर जो है वो बहुत ही नहीं भाई मैं आई एम वेरी स्कैड मैं सब नहीं करती हूँ मुझे एक्टिंग करना आता है जब ये कहानी और किरदार के बारे में मुझे हमारे प्रोड्यूसर गुरुदेव भल्ला जी ने बताया तो मैंने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया था क्योंकि ये अनोखा कैरेक्टर है अंबिका राजगौर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल गुजराती वूमन हु इज़ लीडिंग डायमंड फैमिली लाइक यू नो बिज़नेस है उनका डायमंड्स का सूरत में और बड़े से फैमिली की मेट्री है वो और uh, वो जो संकल्प लेती है कि वो बदलेगी ज़माने की सोच वो बदलेगी संसार के नियम के सास माँ बन सकती है बहू बेटी बन सकती है आई बिकॉज एज एन एक्टर ऐसे कैरेक्टर्स uh, बहुत कम आते हैं आपकी लाइफ में और जैसे ही मुझे ये कैरेक्टर uh, का ब्रीफ मिला मैंने बोला ये तो करना ही पड़ेगा मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ ये बात को बहू बेटी बन सकती है बिल्कुल बन सकती है क्योंकि मैं आई आई थिंक आई एम अ बेटी टू माई सास और मेरी सास मेरे लिए माँ जैसी ही है तो क्यों नहीं हो सकता है ये जो यू uh, नो you know, सोच चली आ रही है हमारे कंट्री um, सिर्फ हमारी कंट्री नहीं ये तो एक्चुअली ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो रिलेशनशिप है सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव दिस यू नो बिटर स्वीट रिलेशनशिप खट्टा मीठा और मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे बदल सकते हैं नहीं तो प्रेशर नहीं है आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड वी शुड टेक इट एज़ दैट आई एम वेरी हैप्पी के पॉजिटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं जिसका मतलब ये है कि हमारे ऑडियंस को हमारा प्रोमो अच्छा लग रहा है और वो प्रोमो अच्छा लगेगा तो शो देखने जाएंगे और जब शो देखेंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप फिर वापस कभी uh, देखना बंद नहीं करोगे क्योंकि ऐसा शो है uh, होना ही है क्योंकि गुजराती कैरेक्टर्स है फॉर मी इट्स वेरी यूनिक के आई एम अ गुजराती एंड आई एम नेवर प्लेड अ गुजराती कैरेक्टर ऑन टेलीविजन तो पहले बार मैं एक गुजराती कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ और अंबिका राजगौर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और uh, मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीग एबल टू पोट्रे हर एंड टू द बेस्ट ऑफ माई अबिलिटी बिल्कुल डिस्कस करते हैं रोहित एंड में uh, वी मी uh, हम हमेशा एक दूसरे का काम डिस्कस करते हैं बिकॉज हम एक्टर्स हैं दोनों सेम इंडस्ट्रीज हैं से, तो ये मतलब नेचुरल है स्वाभाविक है पर अल्टीमेट डिसीजन इज़ माइंड बट ऑफकोर्स ये शो के लिए जब रोहित ने भी सुना तो ही ऑल्सो वॉज लाइक वेरी पॉजिटिव सर ओ दिस इज़ फैंटेसिक यू मस्ट डू इट एंड आई से आई एम डूइंग इट सो या वी डू नहीं भाई मैं आई एम वेरी स्कैड मैं ये सब नहीं करती हूँ मुझे एक्टिंग करना आता है मैं रियालिटी शोज मैंने कर लिया पर अब नहीं मुझे आई लाइक टू एक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इन एक्टिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स सो प्रपेशन तो ये होती है कि एज एन एक्टर हम हमेशा कहानी समझते हैं कैरेक्टर को समझते हैं और मेरे हिसाब से एक लुक होता है बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देट लुक यू नो द आउटर यू बिकम्स द इनर यू तो वो ये गुजराती कैरेक्टर का जो लुक मुझे बहुत ही बढ़िया दिख दिया गया है हमारे स्टाइलिस्ट और क्रिएटिव टीम से दैट्स हेल्पिंग मी and then also the fact that somewhere i identify with ambika i understand the kind of woman she is so i uh, i don't i don't ha i haven't worked on her character as much as i'm working on becoming ambika and uh, i hope the audience sees that and likes it uh, so i think as an actor Mira mera in jaake camera ऑनेस्टी से अपना काम करूँ और uh, उम्मीद करती हूँ कि वो कहीं जाके ऑडियंस के दिलों में एक uh, जगह बना दें एंड दे कंटिन्यू वाचिंग दिस बिकॉज दे वांट टू सी व्हाट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ अम्बिका एंड केसर